हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहां पर मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एक्सेट्रा, इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप ढेर सारे फॉर्मूले जो होते हैं इन सभी टॉपिक्स में, और देखिए नियरली इम्पॉसिबल होता है इन सारे फॉर्मूलेस को आप एग्जैक्टली मेमोराइज़ कर पाएँ। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिना इन फॉर्मूलों को याद किए आप सिर्फ फिगर्स की मदद से, डायग्राम की मदद से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है इन्हीं सभी एग्ज़ाम्स में नॉर्मली टाइम काफ़ी कम होता है और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है और आपको कम समय में एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्योंकि देखिए मैं एसएससी सीजीएल 2 बार मैंने क्लियर किया हुआ है तो मुझे अच्छी तरह पता है कि किस तरह का प्रेशर टीयर 1 और टीयर 2 में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो और लगभग आपको 1 मिनट से भी कम समय मिलता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए कोशिश मेरी यही है कि आपको ऐसा ऐसा एक तरीका दिया जाए जिससे कि आपको फॉर्मूले याद ना करना पड़े, सिर्फ एक फिगर को आप याद कर लें, फिगर को देख लें, उसी को आप छाप लें अपने दिमाग के अंदर, और जब एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो वो फिगर आपको याद रखना है, आपको फॉर्मूले याद नहीं करना है, और उस फिगर से आप फॉर्मूले डिराइव कर लेंगे और किसी भी तरह के क्वेश्चन को कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में बनाऊँगा अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, और कैसे हम फिगर्स को देख के ही पूरे का पूरा फॉर्मूले सारे मेमोराइज़ कर सकते हैं। लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो काफ़ी लोगों का ये एक वीक सेक्शन भी है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री में हम एक फॉर्मूला देखेंगे, वो फॉर्मूले को आपको याद नहीं करना, मैं आपको फिगर बताऊँगा, एक टेक्निक बताऊँगा जिससे आपको फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री में एक बड़ा बेसिक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। वैसे ही कॉट थीटा की क्या होती है, बी अपॉन पी। साइन थीटा की क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच। कोसेक थीटा उसका उल्टा होता है, एच अपॉन पी। वैसे ही कॉस थीटा की क्या वैल्यू होती है, बी अपॉन एच, और सेक थीटा उसका उल्टा होता है, एच अपॉन बी। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, ये हो गए 6 फॉर्मूले। मैं एक एग्जाम्पल सबको बता रहा हूँ कि कैसे आप एक फिगर को देख के इन 6 के 6 फॉर्मूले को एक ही बार में याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है, ट्रिग्नो मतलब ट्रायंगल एंड मेट्री मीन मेजर। तो हम बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए आपको क्या करना है, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये है थीटा, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये पक्की सी बात है, हमेशा जहाँ भी थीटा होता है, थीटा के ठीक सामने वाला जो साइड होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। थीटा के नीचे वाला होता है बेस, और जो बचा हुआ सबसे लंबी साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस, पी पी एच। ये तीनों वाले हो गए। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर टॉप पे हम लिखेंगे 10, यहाँ पर लिखा 10, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट। फिर कॉट के नीचे लिखेंगे कॉसिक, ओके, कॉसिक का उल्टा क्या होता है, साइन, ठीक है। फिर साइन के पास लिखेंगे कॉस, और कॉस का जो उल्टा होता है वो है सेक। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी। अब देखो 10 की बात करें, 10 का फॉर्मूला क्या होगा, 10 से कि एडजेसेंट साइड, 10 जो लिखा है वो हाइपोटेनस पे लिखा हुआ है, एच पे, इसको हम छोड़ देंगे, और 10 की बगल वाली साइड कौन सी है, पी, और 10 के सामने वाली साइड कौन सी है, बी। तो 10 का फॉर्मूला क्या हुआ, पी अपॉन बी, ठीक है। वैसे कॉट की बात करेंगे, कॉट की बगल वाली साइड कौन सी है, बी, और कॉट के सामने वाली पी, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी, ठीक है। वैसे हम साइन की बात करें, साइन की एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली साइड वाली पी, और साइन के ठीक सामने का क्या है, हाइपोटेनस एच, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, पी अपॉन एच। वैसे ही कॉसेक की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, एच अपॉन पी। वैसे ही कॉस की बात करते हैं, कॉस परपेंडिकुलर पे हमने लिखा हुआ है पी के ऊपर, कॉस की बगल वाली साइड कौन सी है, बी, और कॉस के ठीक सामने वाली साइड कौन सी है, सामने वाली साइड एच, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हुई, बी अपॉन एच। वैसे ही सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच अपॉन बी। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें
तो इस डायग्राम को आप समझ कर एक साइड में बना लें अपनी कॉपी में, और इसको देख देख के आप फॉर्मूले डराइव करें। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो फॉर्मूला इस डायग्राम में देखें। इससे क्या होगा, रिपीटेडली इस काम को करने से ये जो डायग्राम है ये एज इट इज़ आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, ये आपके दिमाग में छप जाएगा। और पूरी पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी एग्ज़ाम में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये फॉर्मूले अलग अलग याद नहीं करना पड़ेंगे, ये डायग्राम आपको याद रहेगा। आप 2 सेकेंड के अंदर उस फॉर्मूले को डिराइव कर लेंगे और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यही सबसे अच्छा तरीका होता है, और मैंने भी जब खुद पढ़ाई की थी, तैयारी की थी SSC CGL की, तो मैंने भी इस तरीके से ही फॉर्मूले याद किए थे। इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे टॉपिक्स हैं, उनमें उन सबको याद रखना इम्पॉसिबल होता है। और ऐसे ही ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप बेटर कि किसी डायग्राम को याद कर लें, उसको मेमोराइज़ कर लें, उसी से फॉर्मूले को ड्राइव कर लें। ये काफ़ी ईजी भी होगा आपको याद रखने में, और उससे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट भी नहीं होगा। फ्रेंड्स इसी के सीरीज़ में मैं जितने भी टॉपिक्स हैं स्पेशली मैथ्स के, उनके जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनको मैं डायग्रामेटिक तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे आप जल्दी उसको मेमोराइज़ कर सकते हैं, फिगर्स के माध्यम से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले याद कर सकते हैं। उसी की मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैथ्स के, क्वांट के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके हम फॉर्मूलेज देखेंगे, और कैसे हम उन सभी फॉर्मूलेज को फिगर्स के माध्यम से याद कर सकते हैं वो सभी हम वीडियोज़ में देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपने ज्ञानशिला एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इस रेड बटन पर क्लिक करके। उसके बगल में एक बेल आइकॉन होता है, वो घंटी का निशान होता है, उसको भी क्लिक करें, जिससे कि मैं जब भी कोई ऐसा वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। तो उस बेल आइकॉन को क्लिक करना भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।